दर्द का रिश्ता होता है। जरा मुड़ के पीछे तो देखो कि कौन है। हुँ? अरे देखो ना, दादी माँ। वैभव के जेल से भाग जाने की वजह से मेरी एनजीओ में मुझ पर सवाल उठने लगे हैं। अगर वो बेगुनाह था तो जेल से क्यों भागा? देखो, अगर मैं इसकी तलाश करूं, पर किस आधार पर? कि अमरनाथ आपके साथ खेल खेल गया, और ऐसा खेल खेल कर गया है कि आप सोचने पर मजबूर हो गए अपने हिसाब से। भाग्यलाल जी, आपके पास इस बात का कोई जवाब है कि अमरनाथ अगर शिखा पर गोली चलवाएगा तो अपने बेटे को फंसाने की कोशिश क्यों करेगा? और उसका आदमी गोली चलाने के बाद वैभव के ऊपर क्यों रिवॉल्वर फेंक के मारेगा? और अगर अमरनाथ कुछ ऐसा करेगा तो सबसे पहले अपने बेटे वैभव को बचाने की कोशिश करेगा। और जबकि शिखा को गोली मारने के बाद यही साबित करने की कोशिश की गई और हम भी यही समझ बैठे कि गोली वैभव नहीं चलाई थी। आ गए ना उसके झांसे में। अमरनाथ ने छोटी सी बात पर आपको झांसे में डाल दिया और आप झांसे में आ गए अपने हिसाब से। और आप ही तो कह रहे थे, आप ही ने तो बताया था मुझे कि अमरनाथ ने जिस आदमी से गोली चलवाई उसको पैसे भी नहीं दिए अपने हिसाब से। हाँ, जब आप ये बात मान रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है कि अमरनाथ ने उस आदमी को पैसे इसलिए ना दिए कि शिखा को गोली मारने के बाद वैभव को फंसा दे। सोचिए सोचिए कालरा साहब, वो कातिल कोई भी रहा होगा वो ये सोचा होगा कि अगर रिवॉल्वर उसके पास रही तो वो फंस भी सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि वैभव अमरनाथ का बेटा है। और कातिल खुद को बचाना भी तो चाहता होगा। जैसे ही उसने वैभव को देखा उसने पिस्तौल उसकी तरफ फेंक दी। अब आप ही बताइए कि इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अमरनाथ का इस कत्ल के पीछे कोई हाथ ही नहीं। मैं तो कहता हूं कालरा साहब कि इस बात को आप गहराई तक समझिए कि अमरनाथ ने आपको झांसे में ले लिया, लेकिन एक बात है, आपको उसके झांसे में नहीं आना चाहिए अपने हिसाब से। आप सुरभि को देखने गए थे ना भाई साहब, देखा आपने कैसी हालत हो गई उसकी? वही देख कर आ रहा हूं केदार। केदार समझ में नहीं आता कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कब तक। सुरभि की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती, और दूसरी ओर यह भी पता नहीं चल रहा कि वैभव कहां है, किस हालत में है। वो जेल से भागा हुआ एक मुजरिम है। मैं यह खबर सुनना नहीं चाहता केदार कि पुलिस से भागते हुए वैभव पुलिस का शिकार हो गया। मैं ये खबर नहीं सुनना चाहता हूं। नहीं भाई साहब, ऐसी खबर कभी नहीं आएगी, आप भरोसा रखिए। भरोसे धीरे धीरे सब टूटते चले जा रहे, भरोसे की लाम पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए। मैं और गुप्ता जी इंस्पेक्टर से मिले थे,
उसने हमें विश्वास दिलाया है कि वो सुनील का पता लगाने की पूरी कोशिश करेगा। अब भरोसा करने के लिए वक्त भी नहीं रह गया चंदन, तुम जाओ और जाकर देखो क्या हालत है उसकी और कब तक हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। एक बात तो तय है कि जब तक वैभव के ऊपर से मुलजिम होने का इल्जाम मिट नहीं जाता तब तक वो सामने नहीं आएगा, और जब तक वैभव सामने नहीं आएगा हम सुरभि को बचा नहीं पाएंगे। भाई साहब आखिर आप क्या सोच रहे हैं? केदार, वक्त की बंदिशों ने इंतजार के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब मेरे पास कालरा की शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे खुद को कानून के सामने मुजरिम साबित करना होगा। क्या? नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए। मुझे रोकने की कोशिश मत करो चंदन। वैभव को सामने लाने का रास्ता नजर नहीं आता, सुरभि को रोकने का रास्ता नजर नहीं आता। मैं सुरभि को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। भाई साहब संभालिए अपने आप को, प्लीज। हाँ अंकल, सब ठीक हो जाएगा, संभालिए अपने आप को। मुझे माँ और पापा से तुरंत बात करनी है, उन्हें फोन लगाइए ना। पता नहीं सुरभि की क्या हालत हो, वो मेरे लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देना चाहती, लेकिन अब मैं नहीं होने दूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए वैभव। मैंने आपको फोन करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि चंदन ने मुझे फोन करने के लिए मना किया था। उसने कहा था कि हो सकता है वहां का फोन पुलिस रिकॉर्ड कर रही, हमारे फोन करते ही उन्हें पता चल जाएगा कि आप यहां हमारे साथ हैं, आपको छुपाना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फूफा जी, उन तक खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, तुम चंदन को फोन लगा सकते हो, उसका फोन तो पुलिस नहीं रिकॉर्ड कर रही होगी ना। मैंने चंदन को फोन लगाया था माता जी, लेकिन पता नहीं क्या बात है चंदन का फोन लग नहीं रहा, न जाने कहां है वो। चंदन का फोन भाई। फूफा जी मैं बात करूँ? नहीं बेटा, आप बात नहीं करेंगे, मैं बात करता हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ वो कहाँ है। हाँ बेटा। पापा, एक तरफ तो सुरभि की जिंदगी खतरे में है, तो दूसरी तरफ जेल से भागने की वजह से वैभव की जान खतरे में है। पुलिस का खतरा तो है ही, और साथ ही साथ बाकेलाल भी कोई साजिश कर सकता है। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं बाकेलाल वैभव को मारने की कोशिश ना करे। नहीं बेटा, अब बाकेलाल की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती। पापा, आप तो अंकल भी डरे हुए हैं, वो वैभव को खोना नहीं चाहते, और इसीलिए वो उस जुर्म को पुलिस के सामने स्वीकार करने के लिए गए हैं कि शिखा के ऊपर गोली उन्होंने चलाई थी। क्या ये तुम क्या कह रहे हो चंदन? हाँ पापा, अंकल ने ये फैसला इसीलिए किया है क्योंकि ऐसा करके वैभव के ऊपर से पुलिस का खतरा तो मिट जाएगा, और अगर वैभव कहीं छुपा होगा तो वो सामने आ जाएगा। उन्हें रोको चंदन बेटा, उन्हें कुछ भी करके ऐसा करने से रोको। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अनर्थ हो जाएगा और सारा मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। चंदन, ये क्या कह रहे हैं पापा आप? मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा, जिसके लिए सब परेशान हो रहे हैं वो यहां हमारे पास है। क्या? हाँ चंदन, तुम समझ रहे हो कि नहीं, तुम्हारी बहन का सुहाग यहां हमारे पास है, सुरक्षित। तुम्हें कुछ भी करके अमरराज जी को रोकना ही होगा। समझ गया पापा, मैं उन्हें रोकता हूं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं पापा।
कुलदेवताय नमः। ओम नमः कुलदेवताय नमः। ओम नमः कुलदेवताय नमः। ओम नमः कुलदेवताय नमः। ॐ 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 नमः कुलदेवताय नमः। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा श्राम, कुछ भी नहीं, चुप हो जाओ। उसकी हालत देख रही है तुम? उसकी ऐसी हालत देख के भी तुम्हें तरस नहीं आता? क्या हो गया तुम्हें? अब भी मुझे रोकना चाहती हो तुम? हाँ मैं रोक रही हूँ आपको, मैं रोकूंगी। देखिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे श्रावणी, अगर सुरभि को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर घर से किसी की अर्थी निकलती है तो बाप की निकलनी चाहिए। बच्चों की अर्थी बाप के कंधे पर नहीं निकलनी चाहिए, समझ में आई बात तुम्हारे? ना तो मैं सुरभि की हालत को बिगड़ते हुए देखना चाहता हूं और ना ही वैभव के बारे में मैं कोई ऐसी खबर सुनना चाहता हूं जो जीते जी मुझे मार दे। क्या कह रहे हैं आप? ओम नमः कुलदेवताय नमः। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती श्रावणी? मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ लेकिन मेरी भी हालत समझने की कोशिश क्यों नहीं करती तुम? अगर मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर भी दिया और उस खबर के बाद अगर वैभव घर आ जाता है तो मैं वहां सुकून से रह पाऊंगा? कम से कम मैं अपना सुकून तो नहीं खोऊंगा। ओम नमः कुलदेवताय नमः। इसका मतलब आपने फैसला कर लिया? क्या वो गुनाह अपने सर लेंगे? हाँ शायद इनकी यही मर्जी। और अगर इनकी यही मर्जी है तो यही सही। किसको किस हालत में कहां रखना है ये अच्छी तरह से समझते हैं श्रावणी, समझने की कोशिश करो। ॐ नमः कुलदेवताय नमः। 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 अगर पापा को जेल जाना पड़ा तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, बस बाकेलाल को मार डालूंगा। दर्द का रिश्ता होता है। नहीं फूफा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पापा ने पुलिस के सामने ये बात स्वीकार कर ली तो पापा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए फूफा जी। तो मैंने चंदन को उन्हें रोकने के लिए कहा है। ये एक पल में मंजर कैसे बदल जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। नहीं बेटा, ये मैं नहीं होने दूंगी कि मेरा निर्दोष बेटा जेल जाए।
जब उसने कोई जुर्म किया ही नहीं है तो उसे विवश क्यों कर रहे हैं वो लोग? अगर पापा को जेल जाना पड़ा तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मैं उस बाकेलाल को मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा मैं उसे। वो खत्म करने के बाद ही उसके पाप खत्म होंगे। नहीं वैभव, आपको जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग हैं ना आपके साथ। आप मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं होगा। अमरनाथ जी को जेल नहीं जाना पड़ेगा, चंदन उन्हें वक्त रहते हुए रोक लेगा। हाँ मुकुल, मन को शांति तो तभी मिलेगी जब ये समाचार हमें मिलेगा। ऐसा क्या हुआ जो अमरनाथ ने पुलिस के पास जाने का निर्णय ले लिया? उन्हें डराया गया है माता जी। उस बांकेलाल और कालरा ने अमरनाथ जी को मजबूर किया होगा। चंदन बता रहा था कि वैभव को बांकेलाल से भी खतरा है और पुलिस से भी जान का खतरा है, इसीलिए अमरनाथ जी खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए गए ताकि वैभव के सर पे जो जुर्म है उसे अमरनाथ जी अपने सर पर ले लें और वैभव जहां कहीं भी छुपा हुआ है वो सामने आ सके। जिंदगी भर मुझे पापा से शिकायत थी कि पापा ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए वो अपने सिर पर इतना बड़ा कलंक लेने जा रहे हैं। मैंने पापा को समझाया था, उनको बोला था मैंने कि मुझे ऐसी रिहाई नहीं चाहिए जिसके लिए उन्हें पूरी उम्र उन्हें जेल में गुजारनी पड़े। बाप बेटे के रिश्ते की कशिश का अंदाजा अक्सर बेटे नहीं लगा पाते। देखा बेटा, अब तक तुम अपने पिता को अपना बैरी समझते थे, लेकिन को देखो इतना बड़ा कलंक अपने माथे पर तुम्हारे लिए लगा रहे हैं। इसको कहते हैं पिता का प्यार। तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं वो बेटा। अब तो तुम समझे ना कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। समझ गए कि पिता का प्यार कैसा होता है। आज मैं समझ गया कि पापा के दिल में मेरे लिए कितनी जगह थी। आज मैं समझ गया। कैसा वक्त आया सरस्वती, भगवान भी ना जाने हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। सुरभि की हालत ये हो गई है, वैभव का कहीं पता नहीं चल रहा और वैभव के पापा अपने आप को कानून के हवाले करने गए। कुछ कुछ समझ में मत रोइए दीदी, मुझे भी समझ में नहीं आता ये सब क्यों हो रहा। भाभी भाई साहब कहाँ? वो तो अपने आप को पुलिस स्टेशन पुलिस के हवाले करने गए। नहीं भाभी, उन्हें रोकना होगा, किसी भी हालत में उन्हें रोकना होगा, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। क्यों, क्या हो गया? वो सब एक क्या हुआ? मैं भाई साहब को फोन कर रहा हूँ। अभी क्या वो अपना फोन यहीं छोड़ गए? हाँ, वो तो अपना फोन यहीं छोड़ कर गए हैं। नहीं भाभी, भाई साहब को किसी भी हालत में रुकना होगा। क्या वो थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? ये सब क्या हो रहा है भाभी हमारे साथ? बस हमारे साथ कैसा खेल खेल रहा है। एक तरह से ये अच्छी खबर आई है और दूसरी तरफ ये परेशान करने वाली बात है। लेकिन बात क्या है, हमें कुछ बताइए तो। वैभव का पता लग चुका है भाभी। भाई साहब इसलिए अपने आप पुलिस के हवाले कर रहे हैं ताकि वैभव के सर पे जो पुलिस की तलवार लटक रही है उससे वो छूट जाए। लेकिन वैभव का पता चल चुका है। कहाँ है वो? वैभव जहां भी है वो बहुत सुरक्षित, उसे कोई खतरा नहीं।
भाभी, वैसे भी हम सच्चाई का पता लगाने की कोशिश तो कर ही रहे थे ना, लेकिन अगर भाई साहब पुलिस स्टेशन चले गए और उन्होंने ये जुर्म अपने सर पर ले लिया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। कहाँ है मेरा बेटा? वो मुकुंद साहब के घर में। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब तक इतनी भी होश में ना आई हो कि पुलिस को अपना बयान ना दे सके। दर्द का रिश्ता होता है। कहाँ है मेरा बेटा? वो मुकुंद प्रसाद के घर में। मुकुंद प्रसाद ने चंदन को फोन करके अभी भी ये बताया। हरिद्वार में? देखो सर, अभी ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। चंदन ने मुझे बताया और मैं भागा भागा भाई साहब को ये बताने के लिए यहाँ पर आया, लेकिन मुझे पता लगा कि वो तो पहले से ही पुलिस स्टेशन में निकल चुके हैं। भाभी, वैसे भी सच्चाई तो सामने आने ही वाली थी। सुरभि, 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 क्या हुआ? सुरभि, क्या हुआ? सुरभि, सुरभि, देवा ठीक है? सुरभि, 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 देवा ठीक है? सुरक्षित है वो? सुरभि, बात आप सुरभि को संभालिए, मैं जाकर देखता हूँ। पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मुझे भाई साहब को रोकना पड़ेगा, ठीक है? प्लीज आप इसे संभालिए। अरे सुनिए तो दीदी, आप संभालिए, मैं भी आती हूँ। आप खोलो दीदी। सुनिए दीदी, आप भी खोलो। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए बैठिए। कहिए, आज अचानक कैसे आना हुआ? शिखा कालरा जी, शिखा तो बिल्कुल ठीक लग रही है। नहीं, देखने में तो ठीक ही लगती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है भाई? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब तक इतनी भी होश में ना आई हो कि पुलिस को अपना बयान ना दे सके। कालरा जी, आप ये बताइए, किसी मजबूरी की वजह से आप बयान नहीं रोक रहे हो या किसी दबाव में? पुलिस आपके लिए है, अगर कुछ बात है तो साफ साफ बताइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा सरस्वती, कि ये सारा जाल बांकेलाल ने बिछाया है या भाई साहब खुद को कानून का मुजरिम साबित करना चाहते हैं। आज हमें ये पता चला सरस्वती कि वैभव हरिद्वार में है और बांकेलाल की आदमी भी हरिद्वार में है। आप तो शायद सिगरेट नहीं पीते ना, लेकिन आपके टेरेस पर ये जला हुआ सिगरेट का टुकड़ा मिला।